उस गाड़ी पर उज्ज्वला योजना, उस गाड़ी पर ये सौभाग्य योजना, उस पर फ्री राशन से लेकर के आवास, शौचालय, तमाम सारी बातें लिखी रहती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ गाँव में जा रहा है, यहाँ आप लोगों के पास भी वह गाड़ी गई होगी। गाँव में जब वो गाड़ी जा रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। ये अधिकारी अपनी बात कह रहे हैं और जो गरीब समाज के लोग आवास पा गए हैं, तो उन गरीबों से दो लोगों को खड़ा करा करके यह बात कहवाई जा रही है कि आप बोल दीजिए कि हम टूटी झोपड़ी में रहते थे, कच्चा मकान में रहते थे, लेकिन योगी और मोदी ने हमको मकान दे दिया है, अब हम सुकून से जिंदा रह रहे हैं। आप सोच लीजिए, उस महफिल में, उस पंचायत में दो लोगों से बात कहवाई गई, दो लोग मकान पाए और उन्होंने बोल दिया, अब उसके जरिए यह बात फैलाई जा रही है कि सरकार ने सबको आवास दे दिया, इस तरह की बात हो रही है। ये दूसरी बात, ये जो गैस सिलेंडर बांटा गया है, गैस सिलेंडर बांटा गया, इससे पहले यह बात मैं बताऊं हटवाया जाएगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि यहां सरकार की तरफ से आदेश आया है कि जो फर्जी राशन कार्ड है, जो फर्जी जॉब कार्ड है, ये सारे राशन कार्ड और जॉब कार्ड काट दिए जाएं और जो पात्र व्यक्ति है उनको राशन कार्ड और जॉब कार्ड दे दिया जाए। लेकिन ये लखपाल, ये सिगरेटरी डर के मारे राशन कार्ड जो फर्जी बना है, जॉब कार्ड जो फर्जी बना है, उसको छू नहीं रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि अगर इनके राशन कार्ड और जॉब कार्ड को काट देंगे तो ये गोली मार देंगे, हम मर जाएंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे सब रसातल में मिल जाएंगे। इस तरह से यह डर करके अपात्रों का ये राशन कार्ड नहीं काट रहे, या जॉब कार्ड नहीं काट रहे, बल्कि गरीबों के राशन कार्ड को, जॉब कार्ड को काट दिया जा रहा है। गरीब परेशान है, इस पर भी हमें और आपको सोचने की जरूरत है। मनरेगा के तहत गांव-गांव में काम कराए गए हैं, लेकिन गरीबों को मनरेगा का पैसा नहीं मिला, गरीबों को आवास जो मिला उसमें भी मनरेगा की मजदूरी है, लेकिन गरीबों को आवास का पैसा 1,20,000 तो मिल गया, लेकिन जो मजदूरी है उसमें 20,000 के लगभग थोड़ा बहुत पैसा मजदूरों गरीबों को दे करके सारे पैसा ये ब्लॉक के लोग जो है गरीबों के आवास का मजदूरी भी लूट ले रहे हैं। इनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। और आप लोग जिस स्तर से आकर के यहाँ पर बैठी है, यह लड़ाई इस तरह से नहीं होगी। लग रहा है कि भोज खाने हम लोग चले आए हैं, नौता में आए हैं। हमने पिछली बार कहा था कि जब भी धरना प्रदर्शन होगा, आप लोग अपने हाथों में लाठियां लिए रहिएगा, हसुआ खुरपी बाकी कुदार फौड़ा जो भी रहे उसको लेकर आइएगा। इसलिए ये ब्लॉक के अधिकारी बंदूक वालों से डरते हैं, माफिया अपराधियों से डरते हैं, गरीबों से इनको डर नहीं है। अगर इनको डर पैदा करना है तो आप लोग अपने हाथों में परंपरागत हथियार उठाइए और जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी, अन्यथा आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ ढेर सारी बातें हैं ब्लॉक के स्तर पर। ये अमित भैया भी आकर के हम लोगों के बीच में जो है कि अपना काम कर रहे हैं कि भाई गरीबों की बात दूर तक पहुंचा दी जाए। इनको बार बार धन्यवाद कि हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, हम लोगों की बात को जरूर ये फैलाएंगे दूर तक। और यहाँ जो कमीशन चोरी लूट घोषपुरी है उसको भी आप दिखाएंगे। फिर एक बार यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप कमीशन के बारे में अगर निकालेंगे तो 10% जो है सिगरेटरी, 5% जेई, 3% एडीओ, 2% ऊपर वाले, ये सब कमीशन लेते हैं। और साथ ही साथ ये गाँव का पैसा, मैं आपको दोबारा इसलिए कह रहा हूँ, शायद आप लेट रहे होंगे, ये गांव का पैसा 2,05,000 रुपया ये नजायज जा रहा है। पंचायत सहायक को 6,000 रुपया देकर, शौचालय गोड़ने वालों को 6,000 देकर, प्रधानों को 5,000 दे करके ये पैसा जो है इस तरह से जो है कि खर्च किया जा रहा है। ऑडिट के नाम पर पैसा, MB एस्टिमेट, शौचालय के, आप लोग बैठिए साथी, और एक बात जो बटे की वृद्धा विधवा के नाम पर, ये पर कैसे रोक ले, एक बात। दूसरी बात भी है, जब सरकार की तरफ से आदेश आया है जो ये फर्जी राशन कार्ड है, फर्जी जॉब कार्ड है, एक कार्ड दे, लेकिन ये अधिकारी कर्मचारी यहाँ सुनत ना हुआ, तो ये पर आपका जवाब, मतलब जवाब आपके देवे, अगर जवाब देवे के मूड में है तब तो पत्र पे ले ले, अगर जवाब देवे के मूड में ना आए तो BDO साहब को बुला ले, आ नहीं तो आप देखिए तालाब बंद कर दी गिराएगा बलकवा, बता देते
जैसे कि एकदम ब्लॉक में अति हो चुकल है ना, अनर्गल हो चुकल है। सर आपको पत्र सौंपा गया है क्या? देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपनी बातों को कहने का, रखने का, और कर्तव्य है हम लोगों का कि इनकी बातों को ध्यान से हम लोग देखें और जो समस्याएं हैं संबंधित अधिकारी को इससे अवगत कराएं और इस समस्याओं को निजात पाया जा सके। इनके द्वारा कई बिंदु दिए गए हैं, हर बिंदु पर खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से इस पर चर्चा की जाएगी और संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि इनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सके। आपके द्वारा आश्वासन कर दिया गया है? अभी तो बात हो रही है, आश्वासन यही हम कहेंगे इनको कि आपकी जो भी समस्याएं हैं हर समस्याओं पर पूरा सम्यक विचार किया जाएगा। ब्लॉक पर आश्वासन मिलता है और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, जैसे राशन कार्ड संबंधी समस्या है, उसके बाद जॉब कार्ड संबंधी समस्या है, या अन्य जो वृद्धा विधवा पेंशन संबंधी है, परिवार रजिस्टर संबंधी समस्या है, एक मीटिंग करके सबको विधिवत इस संबंध में इनके जो ज्ञापन है ज्ञापन के बारे में बताया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक जहां तक हो सके समस्याओं को हल किया जा सके। कितना क्या माना जाए, कितने दिनों में समस्या हो जाएगा? प्रयास हम लोगों का रहेगा कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए, समस्याओं को निस्तारित कराया जाए।